बाबू, अभी तो बाबू आप सो रहे हैं, इम्तिहान तो शुरू हो चुका है। इम्तिहान शुरू हो गया? जी हाँ। प्रिंसिपल साहब, मैं आपके पास अपने अरमानों की लाश लेकर आया। आप मेरे लिए भगवान हैं प्रिंसिपल साहब, मेरे अरमानों को जिंदा कर दीजिए। क्या बात है दीपक? प्रिंसिपल साहब, मैं आज तक कभी लेट नहीं हुआ, सिर्फ आज लेट आया। मेरी मदद कर दीजिए। जो आदमी आप अपनी मदद नहीं कर सकता, उसकी मदद भगवान भी नहीं करता दीपक। अब तो तुम्हारा एक साल बर्बाद हो गया। एक साल नहीं प्रिंसिपल साहब, मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, मेरा छोटा सा कुंबा तबाह हो जाएगा, मेरे भाभी और भाई के सपनों का महल गिरकर चूर चूर हो जाएगा। प्रिंसिपल साहब, थोड़ी देर के लिए कॉलेज के कानून को तब्दील कर डालिए। दीपक, कॉलेज का कानून उन बेसुरतों के लिए नहीं बदला जा सकता जिनको काम नहीं नींद प्यारी है। जाओ और जिंदगी भर सोते रहो। तुम वकील बन जाओ, मेरी ये फटी हुई कमीज विलायती सूट में तब्दील हो जाएगी। सोच रही हूं, जिन सपनों के महल की दीवारें खड़ी हो गई हैं, वो महल अगर 100 रुपए में तैयार हो जाए तो कुछ महंगा नहीं। छुड़ा ही ले बाहर एक को, बहस करे बाबू जोर की।
ऑर्डर। ओहो मुसीबत से भाग जाए नहीं कदा ही दूंगी बेल, भाभी करे अपील और फिर देवर बने वकील, मुकदमा जीतेगा। भाभी करे अपील और फिर देवर बने वकील, मुकदमा जीतेगा। भाई ये सब क्या हो रहा है? आज मैं बहुत खुश हूँ, सच पूछे तो मैं अपने आप को भूल गई। ऐसा मालूम होता है दीपक को वकील के रूप में देखकर तुम अपने आप को बिल्कुल ही भूल जाओगे। सुनिए, हॉस्टल जाके दीपक के इम्तिहान का पता चलाना चाहिए, चलिएगा? हाँ जरूर, चलो चलिए। दीपक, 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 अरे कहाँ चला गया दीपक? अरे कहाँ चला गया? सुनो भैया, हम दीपक बाबू से मिलना चाहते हैं। दीपक बाबू तो क्या बात? दीपक बाबू इम्तिहान नहीं दे सके। इम्तिहान नहीं दे सके? क्यों, किस लिए? वो सो गए थे, वक्त पर पहुंच न सके। सो गए दीपक, सो गया था। तैयार हो जाने पर आज गिरकर चूर चूर हो गया। सपनों का महल चूर चूर हो गया तो क्या हुआ? हमें चट्टान की तरह मजबूती से अपने पांव पे खड़े रहना चाहिए, महल फिर तैयार हो जाएगा। वो समय आने तक मैं जिंदा भी रह सकूंगी या नहीं, ये सोच सोच कर तो मेरा दिल बैठा जा रहा है। मेरी हिम्मत हार गई। अगर तुम हिम्मत हार दोगे तो हमारा क्या होगा? अगर भगवान के डर से कवैया पतवार छोड़ दे तो उस कश्ती को कौन किनारे लगा सकता है? बताओ, तुम बताओ। उठो, हमें दीपक को ढूंढना चाहिए। मुझे डर है कहीं वो कोई नादानी होकर बैठे। भारती, भारती, तेरे चाचा घर आए थे बेटा? हाँ माँ, चाचा आए थे और मुझे प्यार करके बहुत रोने लगे और ये चिट्ठी दे गए। चिट्ठी दे गए? तो देखिए तो। तुझ भैया भाभी, मैंने आपके सपनों का महल चूर चूर कर दिया। अब मुझे दुनिया में जीने का कोई अधिकार नहीं। मेरा कहा सुना माफ कर दीजिए। आखिरी प्रणाम। ओहो, ये क्या पागलपन है? अब कहाँ ढूंढे उसे? ढूंढने की जरूरत नहीं, पाके लाल जी ले आए हैं। बुजुर्ग आदमी जान देने चला गया था, वो तो अच्छा हुआ मैंने देख लिया, वरना तो भाई ने इस दुनिया से टिकट कटा ही दिया था। मैं जरा हॉस्टल जाके इसका सामान ले आता हूँ, आप जरा ध्यान रखना, भाई ने दरवाजा खुला रख दिया है, कोई काम दिखा जाएगा। दीपक, ओ क्या शब्द है भैया, मैं आप लोगों को मुंह दिखाने के काबिल नहीं था। अब सवाए मौत के मेरा कोई सहारा नहीं भैया। अगले डूबते को तो तिनके का सहारा काफी होता है, और फिर ईश्वर रखे तेरे सर पर तेरे बड़े भाई ही, तेरी भाभी की सारी दुआएं तेरे साथ हैं। दीपक, दीपक, कभी उस चींटी को देखा है जो अनाज का दाना मुंह में लेकर दीवार पर चढ़ती है? चढ़ती है, गिर जाती है, फिर चढ़ती है, फिर गिर जाती है, 100 बार चढ़ती है, 100 बार गिर जाती है। फिर तू तो इंसान है, एक बार ही गिर के थक गया? फिर कोशिश कर भैया, जरूर पास हो जाएगा। कोशिश का सवाल नहीं भैया, मैं भी पास हो सकता हूँ, मैं भी इम्तिहान दे सकता हूँ, लेकिन सवाल है तो सिर्फ 300 रुपए का। अगर आज 300 रुपए होते तो मैं दिल्ली चला जाता, मैं वहां जाके इम्तिहान देता, मैं जरूर पास हो सकता हूँ भैया। 300 रुपए? आप चिंता न कीजिए,
मैं कोई इंतजाम करती हूँ, तुम जाने की तैयारी करो दीपक। लाला जी, मैं सब कुछ सुन चुका सेठानी जी। एक कहावत है, अगर हंडिया का मुंह खुला हो तो कुत्ते को शर्म आनी चाहिए। 100 रुपये क्या दे दिए, फिर चली आई हाथ फैला के। सोच क्या रही हो? तुमने बहुत कुछ कह दिया है लाला जी, दोष तुम्हारा नहीं है, दोष मेरी किस्मत का है। मैं जानती हूँ किसी के आगे हाथ फैलाने से बढ़कर दुनिया में कोई अपमान नहीं। तुम मेरा हाथ न देखो, मेरी मजबूरी देखो, जिसने मेरे आगे हाथ फैला रखा है। पैसा अंधा होता है, किसी की मजबूरी को नहीं देखता। लेकिन तुम तो देख रहे हो लाला जी। मेरी आंखों में धूल ना डालो। तुम्हें 300 रुपया चाहिए ना, तो तुम्हारे है तुम्हारे पास। गरीब की कौन जमानत दे सकता है लाला जी? एक अमूल अमानत दे सकती हूँ। दुनिया की सबसे बड़ी दौलत, सबसे बड़ा खजाना है मेरे पास। खजाना? कैसा खजाना? जिसकी कीमत मैं समझो तो कुछ भी नहीं, और समझो तो 10,000 भी कम है, 10 लाख भी कम है, और लाला जी 10 करोड़ भी कम है। क्या कह रही हूँ भाभी? हाँ लाला, एक राजा अपना सिंहासन, एक योगी अपनी तपस्या, और एक माँ अपना कलेजा काट कर दे सकती है, लेकिन मांग और सुहाग से भरी हुई एक औरत अपना मंगलसूत्र कभी नहीं दे सकती। ये लीजिए मंगलसूत्र, सुहागन का सुहाग। तुम इसे गिरवी रखोगी ना? हाँ, मैं अपने देवर की कामयाबी के लिए अपना सुहाग भी गिरवी रख दूंगी। जैसे तुम्हारी मर्जी। सच पूछो भाभी, पड़ोसियों के दुख को हम अपने ही दुख समझते हैं, और फिर लाला तो पड़ोसियों के लिए आधी रात को जान देने के लिए तैयार हो जाता है। इधर भाभी, इस पे साइन तो कर देना। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। उमा बहन, अब पिछली बातों को भूल जाइए। बड़े घर की बहू आएगी, बड़ा दहेज लाएगी, और जानती हो साथ तुम लोगों के दिन भी फिर जाएंगे। क्या सोचा उमा बहन? आपका तो सिर फिर गया है पुरोहित जी। एक बार नहीं 10 बार कह चुकी हूँ, ये रिश्ता नहीं हो सकता, मरते दम तक नहीं हो सकता। जाइए कह दीजिए उन लोगों से। लेकिन उमा बहन, आप तो समझदार हैं, ना कहने से पहले एक बार फिर सोच लीजिए। सोच कर ही जवाब दिया है पुरोहित जी। हाँ पुरोहित जी, नमस्ते। नमस्ते कैलाश बाबू।